हेलो ब्रेनी पीपल, आज का टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जिसमें हम बाल्कन्स रीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म का आइडिया कन्वर्ट होके इंपीरियलिज्म में बदलने लगा। इंपीरियलिज्म में कोई भी नेशन अपने टेरिटरी को इंक्रीज करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स पावर एंड डोमिनेंस, जिसे वो इस्टेब्लिश करता है, और ये मिलिट्री एंड अदर सोर्सेज के जरिए होता है। यूरोप में एक रीजन है जिसे बल्कन्स कहा जाता था। यहाँ रीजनल एंड एथनिक डाइवर्सिटी थी और वहाँ के रहने वाले लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। 1871 में नेचुरलिज्म के वजह से टेंशन्स बढ़ने लगी और बल्कन्स रीजन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन चुका था। नहीं, यहाँ ग्रेनेड्स एंड बॉम्ब्स नहीं प्लान किए गए थे। बेसिकली बाल्कन्स रीजन मोस्ट पार्ट्स जो है इसके ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, और जितनी भी पावरफुल नेशंस थी जैसे ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, ये सब अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते थे बाल्कन्स रीजन को कॉन्कर करके, और ये करने के लिए वहाँ बहुत सारी वॉर्स लड़ी गई। इसीलिए इस रीजन को एक्सप्लोसिव कहा जा रहा है। वॉर्स के कारण वहाँ बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस कॉज हो गई और रिजल्ट था इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बल्कन्स के लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करते रहे। इसी टाइम पीरियड में ब्रिटेन ने दूसरे कंट्रीज को कॉन्कर करना शुरू कर दिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसके वजह से नेशनलिज्म एक यूनिवर्सल फिनोमेनन बन गया। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड फाइनली दिस लेंथी येट इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स, आप सबको ये समझ आया है, एंड फॉर एनी डाउट्स, एनी क्लेरिफिकेशंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So thank you so much for watching The Brain Game. Please like, subscribe and share the video. इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे एक मेल भेज दीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द एक्सक्लूसिव नोट्स फॉर द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच।